नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तैयार आईफोन में। कोई चीज आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पर 2 मिनट देखने की जरूरत है। आपको मैं आज बताऊंगा डिफरेंट विटामिन ट्रांसपीरेशन एंड इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में क्या क्या अंतर होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों देखो, ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन में क्या क्या अंतर होते हैं, तो हम इनमें कुछ सिंपल डिफरेंट बताएंगे, उसको आप ध्यान से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, इट इज मॉडिफाइड फिजिकल फिनोमेना फाउंड इन प्लांट, यानी कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जो पौधे में हमारे जो सारे घटनाएं भौतिक सारे घटनाएं हैं वो प्लांट में होते हैं, ट्रांसपीरेशन में। अब देखिए इवेपोरेशन में क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, यानी भौतिक क्रियाएं हैं जो किसी भी फ्री सरफेस पर होता है, किसी भी फ्री सरफेस पर। और अब देखिए सेकंड क्या जाएंगे, इट इज रेगुलेटेड बाय गॉड सेल, यानी ट्रांसपीरेशन हो जाएगा, इट इज रेगुलेटेड बाय गॉड सेल। ट्रांसपीरेशन जो होता है ना वो गॉड सेल के द्वारा के नियमित होता है, रेगुलेटेड होता है। अब देखिए इवेपोरेशन में हो जाएगा, इसमें कोई इसका कोई रोल नहीं होता है, जो गॉड सेल होता है इसमें कोई रोल नहीं होता है, इसमें तो नो सच गॉड सेल इन्वॉल्व, इनमें कोई गॉड सेल इन्वॉल्व नहीं होता है। तो थर्ड आ जाएगा ट्रांसपीरेशन में आपका क्या हो जाएगा, थर्ड आ जाएगा इन्वॉल्व थ्री टाइप्स प्रेशर, यानी कि इसमें तीन तरह के प्रेशर क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं, यानी पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से जो दाब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ट्रांसपीरेशन में, आपका फर्स्ट हो जाएगा ओपी, ओपी क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने वीडियो बना चुका हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर इस पे, आप देख लीजिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकंड क्या हो जाएगा आपका डीपी, डीपी यानी डिफ्यूजन प्रेशर। अब आ जाएगा यानी थर्ड आ जाएगा क्या, वेपर, यानी कि वेपर प्रेशर, यानी कि जो वाष्प दाब होता है उसको कहेंगे डीपी, क्या कहेंगे विसरण दाब कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहेंगे, हम वीडियो इससे सब बना चुके हैं, आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें थर्ड आपका हो जाएगा इवेपोरेशन में, यानी वाष्पीकरण में हो जाएगा, इसमें कोई इन थ्री टाइप्स के कोई भी प्रेशर इनमें क्या होता है इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, नो इसमें कोई प्रेशर नहीं इन्वॉल्व होगा इसमें। अब आपको फोर्थ हो जाएगा क्या, ट्रांसपीरेशन जो होता है ना वो लिविंग प्लांट में होता है, केवल लिविंग, ओनली लिविंग प्लांट में होता है, ओनली लिविंग प्लांट में केवल होता है। जबकि इवेपोरेशन की बात की जाए तो इवेपोरेशन में हम नॉन लिविंग एंड लिविंग बोथ, यानी दोनों की बात करते हैं, इवेपोरेशन दोनों में होता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे क्या हो, चाहे नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा लिविंग नॉन लिविंग, इसमें हो जाएगा क्या ओनली लिविंग प्लांट में होता है, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्लांट में होते हैं। तो सिंपल से हमारे 2 मिनट की वीडियो है, आप सिंपल से एक बार देख लीजिएगा, इसमें क्या होता है मॉडिफाइड फिजिकल, ये एक सारी घटनाएं के क्रियाएं हैं, ये फिजिकल प्रोसेस है जो कि टेकिंग प्लेस ऑन एनी फ्री सरफेस में होता है, इट इज रेगुलेटेड बाय गॉड सेल, गॉड सेल के द्वारा क्या होता है नियमित होता है, नो सच गॉड सेल इवेपोरेशन में कोई गॉड सेल का इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें क्या होता है थ्री टाइप्स प्रेशर, इनमें क्या करते हैं तीन तरह के क्या करते हैं दाब प्रेशर जो होते हैं इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, ओपी डीपी बीपी, ओपी का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, डीपी का मतलब डिफ्यूजन प्रेशर, बीपी का मतलब वेपर प्रेशर, वाष्पीकरण विसरण दाब, ऑस्मोटिक का क्या होगा, ऑस्मोटिक हम सब वीडियो बना चुके हैं यहाँ पे। इसमें क्या होगा नॉन, इसमें कोई भी प्रेशर नहीं इन्वॉल्व होगा। अब क्या फोर्थ क्या हो जाएगा, ओनली लिविंग प्लांट में, ओनली लिविंग सेल प्लांट जो भी इसमें ओनली लिविंग में होगा, इसमें क्या होगा नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों में होगा। तो हम उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा, तो एक बार स्क्रीन शॉट मार लीजिएगा, एक बार इसको एक बार देख लीजिएगा, कन्फर्म है तो आपको आ जाएगा। थैंक यू।